गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, जस्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैद्युत रसायन। बेटा आपको ध्यान दें, मैं आप लोगों को जो ऑनलाइन क्लास पढ़ाता हूँ वह सॉल्यूशन से रिलेटेड टॉपिक पढ़ाता हूँ, और जो वीडियो बनाता हूँ वह इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर आधारित जो भी टॉपिक होंगे उसको वीडियो के माध्यम से आपको भेजा जाएगा। इसका मतलब सॉल्यूशन का जो भी टॉपिक होगा वह मैं आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ाएंगे, लेकिन इस चैप्टर का जो भी टॉपिक होगा वह वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें पहला टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैद्युत रसायन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसे कहते हैं? व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? सबसे पहले वैद्युत रसायन किसे कहते हैं? यह ऐसा निकाय जिसमें विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है या रूपांतरण होता है उसे वैद्युत रसायन कहते हैं। इन केस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिकल एनर्जी कन्वर्ट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट टू केमिकल एनर्जी। इसका मतलब हुआ ऐसा निकाय जिसमें रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है उसे वैद्युत रसायन कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको सेल में कुछ टॉपिक पढ़ना है, कुछ टॉपिक 30% कट जाने की वजह से आपको नहीं पढ़ना है, सेल के बारे में आपको थोड़ा सा ही पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे, थोड़ा सा चर्चा करेंगे सेल के बारे में। आपके सिलेबस में सेल का कुछ टॉपिक हट गया है, थोड़ा सा हम सेल के बारे में चर्चा करेंगे। सेल किसे कहते हैं? जैसा कि मैंने वैद्युत ऊर्जा का जो डिफिनेशन बताया है वही डिफिनेशन सेल के अंतर्गत भी आता है। ऐसा निकाय जिसमें वैद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है उसे सेल कहते हैं। इसका एक दूसरा डिफिनेशन है, जब दो इलेक्ट्रोड को एक ही विलयन के अंदर या दो इलेक्ट्रोड को दो अलग अलग विलयन के अंदर डुबाया जाता है तो ऐसे निकाय को सेल कहते हैं। ध्यान दें, उन्हें एक बार ध्यान दें, जब दो इलेक्ट्रोड को एक ही विलयन के अंदर या दो इलेक्ट्रोड को दो अलग अलग विलयन के अंदर डुबाया जाता है तो इस प्रकार के सेल को, तो इस प्रकार के निकाय को सेल कहते हैं। इसका मतलब हुआ बेटा, जब दो इलेक्ट्रोड को एक ही सॉल्यूशन में मिक्स करेंगे तो उसे भी सेल कहते हैं, या दो इलेक्ट्रोड को दो अलग अलग सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो उसे भी सेल कहते हैं। इलेक्ट्रोड के आधार पर सेल दो प्रकार का होता है, एक होता है वैद्युत अपघटनी सेल, दूसरा होता है विद्युत रासायनिक सेल। वैद्युत अपघटनी सेल और एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सेल में दो हो गया, वैद्युत अपघटनी सेल पहला, दूसरा हो गया विद्युत रासायनिक सेल। वैद्युत अपघटनी सेल किसे कहते हैं? जब दो इलेक्ट्रोड को एक ही विलयन के अंदर डुबाया जाता है तो ऐसे सेल को वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं, लेकिन विद्युत रासायनिक सेल में जब दो इलेक्ट्रोड को दो अलग अलग
प्रकार के सेल को विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। तो थोड़ा सा चर्चा करें पहले वैद्युत अपघटनी सेल पर, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। पहला है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। विद्युत अपघटनी सेल किसे कहते हैं? जब दो इलेक्ट्रोड को एक ही विलयन के अंदर डुबाया जाता है तो ऐसे निकाय को, इस प्रकार के सेल को विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। वेन टू इलेक्ट्रोड डीप इनसाइड द सेम सब्सटेंस सर टाइप ऑफ सेल नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। देखिए विद्युत अपघटनी सेल में एक ही विलयन के अंदर दो इलेक्ट्रोड को डिप किया जाता है। ये विद्युत अपघटनी सेल का फिगर है, इसमें दो इलेक्ट्रोड डिप करते हैं जिसमें एक एनोड का काम करता है, दूसरा कैथोड का काम करता है। जब दो इलेक्ट्रोड को एक ही विलयन के अंदर डुबाया जाता है तो इस प्रकार के सेल को विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। विद्युत अपघटनी सेल में एक इलेक्ट्रोड एनोड का काम करता है, दूसरा इलेक्ट्रोड कैथोड का काम करता है। इन दोनों इलेक्ट्रोडों को बैटरी से जोड़ दिया जाता है। इन दोनों इलेक्ट्रोडों को बैटरी के माध्यम से जोड़ दिया जाता है। यहां पर देखिए ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, अगला निगेटिव इलेक्ट्रोड है। जब बैटरी का पॉजिटिव को इलेक्ट्रोड से जोड़ा जाता है तो वह पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो जाता है। जब बैटरी का निगेटिव को इलेक्ट्रोड से जोड़ा जाता है तो वह निगेटिव पोल हो जाता है। ध्यान दें विद्युत अपघटनी सेल में कौन सा इलेक्ट्रोड धन आवेशित होगा, कौन सा इलेक्ट्रोड ऋण आवेशित होगा, वह बैटरी पर डिपेंड करता है। नो डिपेंड ऑन इलेक्ट्रोड पॉजिटिव एंड निगेटिव इलेक्ट्रोड, वनली डिपेंड ऑन द चार्ज ऑफ बैटरी। इसका मतलब हुआ बेटा यदि बैटरी का पॉजिटिव पोल किसी इलेक्ट्रोड से जोड़ोगे तो वह पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा और बैटरी का निगेटिव इलेक्ट्रोड निगेटिव चार्ज वाला पोल किसी इलेक्ट्रोड से जोड़ोगे तो वह निगेटिव इलेक्ट्रोड होगा। ऐसा क्यों? ध्यान दें जब बैटरी का पॉजिटिव पोल इलेक्ट्रोड से जोड़ा जाता है इलेक्ट्रोड अपना इलेक्ट्रोड अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है जिसके कारण इलेक्ट्रोड पॉजिटिव जाता है। जब बैटरी का निगेटिव पोल जोड़ा जाता है तो इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है जिसके कारण इलेक्ट्रोड निगेटिव हो जाता है। इसका मतलब हुआ जब बैटरी का पॉजिटिव पोल जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रोड अपना इलेक्ट्रॉन बैटरी को दे देगा और इलेक्ट्रोड पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन जब बैटरी का निगेटिव पोल इलेक्ट्रोड से जोड़ेंगे तो यह इलेक्ट्रोड बैटरी के निगेटिव पोल से इलेक्ट्रॉन ले लेगा जिसके कारण यह ऋण आवेशित हो जाता है। इसका मतलब हुआ एक इलेक्ट्रोड एनोड का काम करता है, दूसरा इलेक्ट्रोड कैथोड का काम करता है। यहां पर क्या हो गया? एनोड एनोड इलेक्ट्रोड। अब कौन सा इलेक्ट्रोड हुआ? कैथोड इलेक्ट्रोड। ये एनोड इलेक्ट्रोड हो गया, ये कैथोड इलेक्ट्रोड हो गया। इसमें साल्ट का सॉल्यूशन लेते हैं, मान लीजिए NaCl का सॉल्यूशन है, इसमें NaCl का सॉल्यूशन है, ये प्लस है और ये माइनस है, ये सोडियम आयन है, ये क्लोराइड है। जब बैटरी के माध्यम
माध्यम से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं तो शार्क का जो ध्यान होता है वह कैथोड की ओर मूव करने लगता है, क्योंकि कैथोड आवेशित होता है, आयन धन आवेशित होते हैं, हमेशा आयन विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर गमन करते हैं। जब बैटरी के माध्यम से करंट पास करते हैं तो इसके जो आयन होते हैं वे विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गमन करने लगते हैं। जैसे इसके अंदर NaCl का विलयन भरा होता है, NaCl का सॉल्यूशन है, Na+ सोडियम आयन होता है, ये माइनस ब्राइट आयन है, यह सोडियम आयन कैथोड की ओर गमन करने लगता है और यह क्लोराइड आयन एनोड की ओर गति करने लगता है। ध्यान दें, एनोड क्या होता है? धन आवेशी, इसलिए क्लोराइड आयन एनोड की ओर गति करता है। यहां पर कैथोड ऋण आवेशी होता है, इसलिए धन कैथोड की ओर गमन करता है। इसमें सोडियम आयन का सोडियम में कैथोड पर अपचयन की क्रिया होती है, जबकि क्लोराइड आयन का क्लोरीन में एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। वेन इलेक्ट्रिक करंट पास विद द हेल्प ऑफ बैटरी इनसाइड द सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन देन सोडियम आयन ट्रैवल आयन कंसीडर सोडियम आयन गो ऑन द कैथोड एंड रिड्यूस क्लोराइड आयन गो ऑन द एनोड एंड ऑक्सीडाइज। यहां देखिए कि 2NaCl का सॉल्यूशन है, ये सोडियम क्लोराइड टूट जाता है सोडियम आयन में और क्लोराइड आयन में। सोडियम आयन कहां जाता है? कैथोड पर। 2Na+ कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेगा और चेंज हो जाएगा सोडियम में। सोडियम आयन का सोडियम में कैथोड पर अपचयन की क्रिया होती है, ये कैथोड रिएक्शन है। यहां देखिए एनोड रिएक्शन, इसमें क्या होता है? क्लोराइड आयन का क्लोरीन में एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। ध्यान बेटा, एक विद्युत अपघटनी सेल लेते हैं, इस विद्युत अपघटनी सेल में NaCl का विलयन भरा होता है। जब दो इलेक्ट्रोडों के माध्यम से बैटरी के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो सोडियम क्वाइल सोडियम आयन और क्वाइल आयन में टूट जाता है। सोडियम आयन का कैथोड पर सोडियम में अपचयन की क्रिया होती है, जबकि क्लोराइड आयन का क्लोरीन में एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। यह था विद्युत अपघटनी सेल। एक बार पुनः सुनिए, विद्युत अपघटनी सेल में एक विद्युत अपघटनी सेल लेते हैं, इस सेल के अंदर NaCl का विलयन भरा होता है, इन दोनों इलेक्ट्रोडों को बैटरी से जोड़ देते हैं। जब बैटरी का धनावेशित पोल इलेक्ट्रोड से जोड़ा जाता है तो यह एनोड का काम करता है, जब बैटरी का ऋण आवेशित पोल इस इलेक्ट्रोड से जोड़ा जाता है तो यह कैथोड का काम करता है। सोडियम क्लोराइड के विलयन में सोडियम क्लोराइड सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में टूट जाता है, सोडियम आयन का सोडियम में कैथोड पर अपचयन की क्रिया होती है, जबकि क्लोराइड आयन का क्लोरीन में एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। यह था विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघटनी सेल में धनायन कैथोड की ओर गमन करता है, जबकि ऋण आयन एनोड की ओर गमन करता है, क्योंकि विद्युत अपघटनी सेल में एनोड धन आवेशित होता है और कैथोड ऋण आवेशित होता है। ध्यान दें, विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल में डिफरेंस आता है। सबसे पहले आप ये जानिए
विद्युत और कंडीशन का पहला कैरेक्टर क्या है, जब दो इलेक्ट्रोड को एक ही विलयन के अंदर डिप किया जाता है तो ऐसे निकाय को विद्युत और कंडीशन कहते हैं। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू क्या है, विद्युत और कंडीशन में एनोड धन आवेशित होता है, कैथोड ऋण आवेशित होता है। पॉइंट नंबर थर्ड, इसमें विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। ये तीन मुख्य पॉइंट है विद्युत अपघटन सेल के। तीन मुख्य पॉइंट क्या है, पॉइंट नंबर वन, दो इलेक्ट्रोड को एक ही विलयन के अंदर डिप किया जाता है। पॉइंट नंबर टू, इसमें एनोड धन आवेशित होता है, कैथोड ऋण आवेशित होता है। पॉइंट नंबर थर्ड, इसमें विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। मैंने आपको बताया कि आपको सेल पढ़ना नहीं है, 30% सिलेबस कम हो जाने के कारण वैद्युत रसायन से सेल का टॉपिक हट गया है। हम इसमें पढ़ाएंगे आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हाँ ध्यान दें, इसमें अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से पढ़ने के पहले आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का नॉलेज होना चाहिए। बिना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का आप सेल समझ नहीं सकते। किस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है, किस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है, इसको समझने के पहले आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जानना होगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, ध्यान से सुने। जब किसी भी इलेक्ट्रोड को उसी के रबर के सॉल्यूशन में डुबाई जाती है तो इलेक्ट्रोड विलयन के सापेक्ष धन आवेशित या ऋण आवेशित हो जाता है, जिसे धातु का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जब किसी भी इलेक्ट्रोड को उसी लवण के विलयन में डुबाई जाती है तो इलेक्ट्रोड विलयन के सापेक्ष धन आवेशित या ऋण आवेशित हो जाती है, जिसे उस धातु का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। यदि इलेक्ट्रोड पर धनात्मक आवेश आता है तो उसे धनावेशित इलेक्ट्रोड विभव, पर यदि इलेक्ट्रोड पर ऋणात्मक आवेश आता है तो उसे ऋणावेशित इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसका मतलब हुआ, यदि इलेक्ट्रोड धन आवेशित होगा तो विलयन ऋण आवेशित होगा, और इलेक्ट्रोड ऋण आवेशित होगा तो विलयन धन आवेशित होगा। एक बार ध्यान सुने, जब किसी भी इलेक्ट्रोड को उसी लवण के विलयन में डुबाई जाती है तो इलेक्ट्रोड विलयन के सापेक्ष धन आवेशित या ऋण आवेशित हो जाता है, जिसे धातु का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। देखिए इसका एग्जांपल, इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार का होता है, एक धन आवेशित इलेक्ट्रोड विभव होता है, दूसरा ऋण आवेशित इलेक्ट्रोड विभव होता है। पहला है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, पहला है धनावेशित इलेक्ट्रोड विभव। धनावेशित इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, जब किसी भी इलेक्ट्रोड को उसी के लवण के विलयन में डुबाई जाती है तो इलेक्ट्रोड विलयन के सापेक्ष धन आवेशित हो जाता है, जिसे धनावेशित इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसका मतलब हुआ, जब इलेक्ट्रोड को
बिलियन में डाला जाता है तो ये ब्रूड अपना ये प्राण त्याग कर धन आवेशित हो जाता है, जिसके कारण उसे धनावेशित इलेक्ट्रोड ग्रह कहते हैं। जब इलेक्ट्रोड धनावेशित होगा तो बिलियन ऋण आवेशित होगा। देखिए मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, कॉपर सल्फेट के विलय में जब कॉपर इलेक्ट्रोड को डिप किया जाता है, जब कॉपर सल्फेट के विलय में कॉपर इलेक्ट्रोड को डिप किया जाता है तो कॉपर का इलेक्ट्रोड धन आवेशित और विलय ऋण आवेशित हो जाता है। इसमें देखिए एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, CuSO4 का विलय है, अर्थात कॉपर आयन सल्फेट आयन के अंदर सॉल्यूशन के अंदर कॉपर सल्फेट टूट जाता है कॉपर आयन में और सल्फेट आयन में। यह कॉपर आयन इलेक्ट्रोड पर जाता है, इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन लेता है, जिसके कारण यह इलेक्ट्रोड धन आवेशित हो जाता है और सॉल्यूशन ऋण आवेशित हो जाता है। इसका मतलब हुआ बिलियन में से कॉपर आयन निकल करके चला जाता है इलेक्ट्रोड पर। जब यह कॉपर आयन इलेक्ट्रोड पर जाता है तो इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन लेता है, जब यह कॉपर आयन इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन लेगा तो यह धन आवेशित हो जाएगा, यह कॉपर आयन उदासीन हो जाता है। इसमें कॉपर आयन का कॉपर में अपचयन की क्रिया होती है। इसका मतलब हुआ जब कॉपर इलेक्ट्रोड को बिलियन में डुबा जाता है तो इलेक्ट्रोड धन आवेशित हो जाता है और बिलियन ऋण आवेशित हो जाता है। इसी को बोलते हैं धनावेशित इलेक्ट्रोड विभव। यहां पर कॉपर आयन का कॉपर में अपचयन की क्रिया होती है। थैंक यू बेटा। ऋण आवेशित इलेक्ट्रोड विभव आई डिस्कस नेक्स्ट। चलो।